हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रोगेबर। आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है अबाउट पब्लिक पॉलिसी। मैंने आप सभी से जो है टेलीग्राम पे एक सजेशन लिया था कि आप सभी को जो है सुएट के जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें जो आपका पार्ट है पब्लिक पॉलिसी, उस पर काफ़ी बच्चों को जो है अभी क्लियरेंस नहीं है कि उनको पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके वहाँ से आते हैं। मैंने जो है आपके लिए टेलीग्राम पे एक पोल डाला था कि आप लोग को पब्लिक पॉलिसी की वीडियो चाहिए नहीं, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी जो है मुझे रिस्पांस मिला था यस का, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो ले आई हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि कल भी जो है आपकी वीडियो आ जाएगी पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग। मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पब्लिक पॉलिसी में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत, सिर्फ आज की वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके लिए पूरी है, चाहे वो आपका डीएड का हो, सुएट का हो या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी का हो पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग, यूजीसी नेट का भी हो बेशक। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में जो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ उसके सिवा आपको पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग और कुछ नहीं करना है। जब यूजीसी नेट में आप करोगे तब आपको एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ भी पढ़नी पड़ती हैं, लाइक वाटर पॉलिसीज, हाउस पॉलिसीज, तो वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन पब्लिक पॉलिसी एज सब्जेक्ट क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके टाइप्स, मॉडल्स, प्रोसेस, तो वो सब मैं आपको सिर्फ एक सिंगल वीडियो में समझाने वाली हूँ। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं समय समय पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देना चाहूँगी, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जैसे कि हमने अपनी एंट्रेंस गाइड रिलीज़ करी है 2022 पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये उसका फ्रंट पेज है, ये हमारा स्टडी मटेरियल है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है जो कि आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी, एमए एंट्रेंस सब में हेल्प करने वाला है। ये इसका कॉन्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, पॉलिटिकल थ्योरी से लेकर आपका पॉलिटिकल प्रोसेस तक के जितने भी मैंने टॉपिक लिख रखे हैं ये सारे के सारे हमारी एंट्रेंस गाइड में जो है कवर हैं होलिस्टिक तरीके से, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके टेबुलर फॉर्म में एकदम पॉइंट वाइज है ताकि आपको जो है बहुत कम समय में एकदम बेस्ट तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये परचेज़ करना है तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देना तो आपके साथ मैं ड्राइव पे इसकी जो कॉपी है वो शेयर कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, बेसिकली पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, पब्लिक पॉलिसी यानी कि पब्लिक के लिए बनाई गई पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ को कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, बेसिकली जो कम्युनिटी में चीज़ें सीधा सुधारने के लिए, लाइक वो सैनिटाइजेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, या फिर आपकी पेंशन हो गई, या आपका जो भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उनको ठीक करने के लिए जो आपकी पॉलिसीज़ लेके आई जाती हैं जिससे कि आपकी जो स्थिति है कम्युनिटी में वो सुधार किया जा सके, तो वो होती हैं आपकी पब्लिक पॉलिसीज़। ठीक है, एक यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाल रखी है वो है आपकी, पब्लिक पॉलिसी इज़ अ फंडामेंटल गाइड टू एक्शन टेकन बाई डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज रिगार्डिंग सेवरल इशूज इन द कंट्री, इट इज़ मेड ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स टू एड्रेस देयर इशूज एंड इम्प्रूव द कंट्रीज ओवरऑल स्टेट। यानी कि कंट्री में जितने भी तरीके के प्रॉब्लम हैं उनको ठीक करने के लिए जो एक्शंस गवर्नमेंट की तरह लिए जाते हैं उनको हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। बेसिकली आपकी हंगर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो गई, पॉवर्टी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो गई, इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आती है उसको हम बोलते हैं बेसिकली पब्लिक पॉलिसी। इफ़ द पॉलिसी फेल्स गवर्नमेंट फेल्स, तो यानी कि अगर आपकी पॉलिसी फेल होती है इसका मतलब वो गवर्नमेंट आपकी फेल हुई है जिसने वो पॉलिसी बनाई है, बिकॉज पुलिस पॉलिसी का जितना भी उसका सक्सेस का इवेल्यूएशन का जितनी भी सारी जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स विद द ग्रोइंग नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड एंड द पार्टिसिपेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक इन द वर्क्स ऑफ द स्टेट द नीड फॉर डिटेल स्टडी ऑन पब्लिक पॉलिसीज फंक्शनिंग ऑल्सो इंक्रीज। बेसिकली हमें पब्लिक पॉलिसी हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया है और पब्लिक पॉलिसी को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीज़न यहाँ पे बता रखा है कि जिस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड में बढ़ रही है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड में बढ़ रही है और किस तरीके से नई तरीके की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है गवर्नमेंट के अंदर और लोगों की एम्पावरमेंट हो रही है। ठीक है, एम्पावरमेंट यानी कि लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं रिगार्डिंग द पॉलिटिकल अफेयर। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए पब्लिक पॉलिसी को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
हैरोल्ड लासवेल इज़ द मैन बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी के स्टडी के मूवमेंट के पीछे जो मेन आपके प्रोपोनेंट हैं वो आपके हैरोल्ड लासवेल, या आपको नेम जो है याद रखना है, पूछा जा सकता है। विद ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी मोर इन्वॉल्व द स्टेट इन सॉल्विंग दैम, ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिसी साइंसेज एमर्ज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से सोसाइटी में नई नई प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको एड्रेस करने के लिए पब्लिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेकर आती है उनको स्टडी करना भी जो है इम्पॉर्टेंट हो गया। द वर्ड पब्लिक पॉलिसी हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स। तो यानी कि आपका पब्लिक पॉलिसी दो शब्द से बनता है, पहले आपका पब्लिक और दूसरी आपकी पॉलिसी। पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए जो बनाई गई पॉलिसीज़ हैं उनको हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी मेकर्स जो आपको, आपकी जो पॉलिसीज जो बनाते हैं वो कौन लोग होते हैं? आपके लेजिस्लेटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होती है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, और जुडिशरी होती है। ठीक है रॉबर्ट, ये कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपको सारी की सारी रीड नहीं करने वाली हूँ बिकॉज जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। ये स्क्रीन पे आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशंस हैं जो कि पूछे जा सकती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से मैं आपको एक पढ़ के दिखा देती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है थॉमस की। थॉमस आर डे की जो स्टेटमेंट है वो है, वो कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इज़ वट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको प्लीज़ ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो बेसिकली थॉमस आर डी क्या बोलते हैं कि पब्लिक पॉलिसी वो सब कुछ है जो गवर्नमेंट चूज़ करती है करना और नहीं करना। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग आपके लिए हो सकती है। सो बेसिकली वो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी एक्शंस नहीं है जो गवर्नमेंट लेती है, पब्लिक पॉलिसी वो भी है कि गवर्नमेंट क्या चूज़ करती है नहीं करना। ठीक है, सो यानी कि आपकी यहाँ पे एक चीज़ आपको सामने जो है क्लियर हो जाती है कि यानी कि आपकी पब्लिक पॉलिसी जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरीके की यहाँ पे होती है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पब्लिक पॉलिसी सिर्फ पॉजिटिव होती है यानी कि सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन टाइप्स होती हैं, तो नहीं, आपकी पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की हो सकती है। ठीक है, सो अब आ गए हम पब्लिक पब्लिक पॉलिसी के फीचर्स पे कि क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। सो पहला फीचर है आपका गोल ओरिएंटेड। ठीक है, गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो भी गोल यानी कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है उस गोल को पूरा करने के लिए आपकी पॉलिसी को जो है इनिशिएट किया जाता है। पूरा फोकस आपका उस गोल पे होता है कि उसको कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, सेकेंड है आपका सर्व द इंटरेस्ट। सर्व द इंटरेस्ट का मतलब आपका जो है प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट को आपका कैसे सर्व करना है पब्लिक पॉलिसीज के थ्रू, वो उसका फीचर है। सेकेंड, थर्ड, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप की हो सकती है बिकॉज गवर्नमेंट क्या चूज़ करती है करना और क्या नहीं करना दोनों ही पब्लिक पॉलिसी के अंदर आते हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपका एक्शंस, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को जो है सुलझाने के लिए, ख़त्म करने के लिए उस पॉलिसीज़ के द्वारा क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो उसका फीचर है। और लास्ट है आपका फीचर लीगल एंड अथॉरिटेटिव बेस, यानी कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी तभी पब्लिक पॉलिसी कहलाएगी जबकि उसका लीगल एंड अथॉरिटेटिव जो है बेस होगा। इसका मतलब क्या है? लीगल का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर उसको जो है अप्लाई करी, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी है, उस पब्लिक पॉलिसी को लीगल माना जाएगा। अथॉरिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट उस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो उसमें आपके कंपोनेंट्स होंगे उनको आपको फॉलो करने के लिए जो है सोसाइटी को जो है अथॉरिटेटिवली जो है उसको बोल सकती है कि आपको ये चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कोई आपकी स्कीम लाई गई है। ठीक है, हंगर खत्म करने के लिए कोई स्कीम लाई गई है, अगर उसमें मिनिमम वेजेस या फिर कोई आपकी फूड सिक्योरिटी टाइप की कोई पॉलिसी लाई जाती है, तो जो है गवर्नमेंट सोसाइटी को बाध्य कर सकती है कि आपको ये जो है प्रिंसिपल्स या फिर ये जो है चीज़ें आपको मस्ट है फॉलो करनी इस पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग। ठीक है, सो इसलिए किसी भी पब्लिक पॉलिसी का लीगल और अथॉरिटेटिव दोनों ही बेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है आपके रेगुलेटरी टाइप, दूसरी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप, थर्ड होती है आपकी रीडिस्ट्रीब्यूटिव टाइप, और फोर्थ होती है आपकी सब्सटेंटिव। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रेगुलेटरी की। ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसीज आपकी वो होती हैं जिसमें कि गवर्नमेंट किसी कोअर्सिव तरीके से रेगुलेट करती है चीज़ों को ताकि चीज़ें जो हैं गलत दिशा में ना जाए। फॉर एग्जांपल आपको टैक्स को कंट्रोल क्या बोलते हैं आपका करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी में जो है वेलफेयर बढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना यानी कि उन कुछ लिमिटेशंस लगाना उन पे ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। ठीक है, जैसे कि करप्शन ना बढ़े, आपका रेड टेपिज्म ना बढ़े ब्यूरोक्रेसी में, तो इस तरीके की रेगुलेटरी पॉलिसीज लेके जो है गवर्नमेंट लेकर आती है। उसके बाद आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? अंदर होता है जिस तरीके से आपका वेलफेयर बढ़ाया जाए, जैसे कि
मनरेगा हो गया आपका, जिसमें कि आपको 100 डेज का जो है वेजेस दिए जाते हैं काम के लिए, और आपकी सब्सिडीज होगी फार्मर्स को, तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें कि आपकी वेलफेयर को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज लेकर आई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रीडिस्ट्रीब्यूटिव। रीडिस्ट्रीब्यूटिव आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा से लेकर आना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिनके पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनसे रिसोर्स लेके, जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन तक उनको पहुँचाना। फॉर एग्जाम्पल टैक्स, ठीक है, टैक्स इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो उनकी इनकम पर टैक्स लगाकर उस टैक्स से जो है जो रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से जो वेलफेयर है पुअर का वो किया जाता है, तो ये होता है आपका रिडिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद आपकी सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव के अंदर आपकी आती है जनरल वेलफेयर, ठीक है, इसमें किसी पर्टिकुलर पुअर या फिर रिच इनके लिए नहीं होता, ये सब्सटेंटिव सबके लिए होती है और एक जनरल होती है, ठीक है। जनरल तरीके से लाइक आपकी एजुकेशन हो गई, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि वो ये नहीं देखे कि किस तरीके से हमें जो है अमीर या गरीब को जो है एजुकेशन में डिफ्रेंशिएट करना है या फिर किसको देनी किसको नहीं देनी, ये एक तरीके से जनरल वेलफेयर है, यानी कि पूरी एजुकेशन को जो है फॉर एग्जांपल 14 ईयर्स तक की जो है प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट को इंश्योर करनी है कि हर बच्चे को मिले, ठीक है। तो एक जनरल पॉलिसी हो गई। तो ये आपके 4 टाइप के जो है पॉलिसीज़ हैं, और इनको किसने दिया है, थियोडोर ने दिया है, ठीक है। 1964 में ये चार टाइप्स की जो है पॉलिसी इन्होंने दी थी, तो इनका नाम भी आपको जो है याद रखना है। अब हम चलेंगे मॉडल्स की तरफ। ये हैं आपके कुछ मॉडल्स, जिसमें कि सबसे पहले आता है आपका प्रोसेस मॉडल, देन सेकेंड आपका इंस्टीट्यूशनल मॉडल, थर्ड है आपका रैशनल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, ग्रुप मॉडल, एलीट मॉडल, पब्लिक चॉइस मॉडल, गेम थ्योरी मॉडल एंड सिस्टम अप्रोच मॉडल। आपको इतने सारे नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, इनके शब्द से ही आपको उनका मीनिंग पता चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक अप्रोच के डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आपको जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझना और याद करना दोनों ही बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस मॉडल के साथ, ठीक है। ये है हमारा प्रोसेस मॉडल। सो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस मॉडल में आपको क्या कहा जाता है कि आपका जो स्कॉलर्स हैं उनका जो ध्यान होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, वो पब्लिक पॉलिसी के प्रोसेस पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि पॉलिसीज़ बनाई किस तरीके से जा रही हैं, क्या स्टेप्स उनमें फॉलो किए जा रहे हैं, तभी आप पॉलिसी के आउटकम को जो है समझ पाओगे। ये कुछ स्टेप्स बताते हैं कि किन किन स्टेप्स को जो हमें समझना चाहिए पॉलिसी के अंदर। तो सबसे पहले बताते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिसी प्रॉब्लम्स थ्रू डिमांड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स फॉर गवर्नमेंट एक्शन। यानी कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना है। देन एजेंडा सेटिंग, फोकसिंग द अटेंशन ऑफ द मास मीडिया एंड पब्लिक ऑफिशियल्स ऑन स्पेसिफिक पब्लिक प्रॉब्लम्स टू डिसाइड व्हाट विल बी डिसाइडेड। इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से फिर आपको अपना एजेंडा सेट करना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करना है। थर्ड है आपका पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि आपको उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसी को फॉर्म करना है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी प्रपोजल्स बाय इंटरेस्ट ग्रुप्स, व्हाइट हाउस स्टाफ, कांग्रेशनल कम्युनिटीज एंड थिंक टैंक्स। यानी कि इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर कौन कौन जो इंक्लूड होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप, थिंक टैंक्स वगैरह, इनके द्वारा दिए गए प्रपोजल्स, सुझाव, इन सभी को लेकर आपको पॉलिसी को फॉर्म करना है। उसके बाद पॉलिसी लेजिटिमाइजेशन, द सिलेक्शन एंड इनेक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज थ्रू एक्शंस बाय कांग्रेस, द प्रेजिडेंट एंड द कोर्ट। कांग्रेस यहाँ पे जो है जो यूएस की कांग्रेस है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएस की पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली लेजिटिमाइजेशन का मतलब है कि जब आप उस पॉलिसी को फॉर्म करके लेजिटिमाइजेशन उसको कब मिलती है, जब उसको गवर्नमेंट जो है अप्रूव कर देती है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूव कर देती है यानी कि वो पॉलिसी अब जो है लेजिटिमेट हो गई है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा पब्लिक स्फेयर में, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी एवेल्यूएशन होगा, यानी कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके क्या आउटकम आ रहे हैं, क्या डिजायर्ड आउटकम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स अभी रह गई हैं, कौन सी प्रॉब्लम अभी एड्रेस करनी बची हैं, कितनी एड्रेस हो गई हैं, ये पूरा सब कुछ आपका इवेल्यूएशन के अंदर आता है। यानी कि एक तरीके से आपका आउटकम को स्टडी करना आपको आता है इवेल्यूएशन, ठीक है। सो बेसिकली पॉलिसी प्रोसेस मॉडल का एक छोटा सा समरी यही है कि ये बोलते हैं कि आपको पॉलिसी को देखने के सिवा उसका जो प्रोसेस होता है, जिन स्टेप्स से वो बनता है, आपको उन पे ध्यान देना चाहिए, तभी आप पब्लिक पॉलिसी को जो है अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। सो लाइक चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ। सो नेक्स्ट मॉडल है हमारा इंस्टीट्यूशनल मॉडल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब बाकी के सारे प्रोसेसेस के लिए यहाँ पे मैंने आपको जो है डायग्राम पुट करने की कोशिश की है, ताकि डायग्राम में आपको पिक्चर्स वाइज जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। सो इस इंस्टीट्यूशनल मॉडल में क्या कहा गया है कि इंस्टीट्यूशंस जो बनाते हैं
पब्लिक पॉलिसीज़ को, जैसे कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी कि जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है पब्लिक के ऊपर और पब्लिक का क्या इफेक्ट पड़ता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। सो बेसिकली ये अप्रोच बोलता है कि इंस्टीट्यूशंस या फिर पब्लिक ऑटोनॉमस नहीं है, दोनों ही आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंटली इफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है कि ये यहाँ पे पीपल हैं, ये स्टेट है, ये नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये आपका फेडरल सिस्टम है। तो यानी कि आपस में सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पॉलिसी इसके लिए बने, पब्लिक के लिए बने, लेकिन वो पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट होने के बाद इंस्टीट्यूशंस को भी इफेक्ट करती है, इंस्टीट्यूशंस के वर्किंग को इफेक्ट करती है, ठीक है। सो यानी कि आपके जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जा रही है वो मेनली किसके थ्रू बनाई जा रही है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बनाई जा रही है, ठीक है। तो इस अप्रोच का जो फोकस है प्योरली जो है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है, जो भी पब्लिक पॉलिसी को आपको फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। सो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आपको इसके शब्द से ही समझ आ रहा होगा, रैशनल मॉडल। सो रैशनल का मतलब होता है विवेक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप रैशनल मॉडल में क्या करते हो, आप उस डिसीजन को, उस अल्टरनेटिव को चूज़ करते हो जो कि बेस्ट सर्व कर रहा होता है पब्लिक इंटरेस्ट को। यानी कि आप यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स को जो है यहाँ पे रखते हो, सबको स्टडी करते हो, सबके प्रॉस एंड कॉन्स को जो है स्टडी करते हो, उसके बाद एक कैलकुलेटिवली बेस्ट डिसीजन आप जो है निकालते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये दे रखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑपरेशनल गोल्स विद वेट्स, प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्प्लीट इन्वेंट्री ऑफ अदर वैल्यूज एंड ऑफ रिसोर्सेज विद वेस्ट। तो इन सभी को साथ में लेकर प्रिपेयर किया गया है कम्प्लीट सेट ऑफ प्रेडिक्शंस ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट फॉर ईच अल्टरनेटिव। यानी कि इन सभी को स्टडी कर कर इनकी कॉस्ट बेनिफिट को लेकर अल्टरनेटिव जो है एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करके बनाया गया है। कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्सपेक्टेशन फॉर ईच अल्टरनेटिव, हर एक अल्टरनेटिव से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरीके का आउटकम आएगा वो सब आपने स्टडी करा है। कंपैरिजन ऑफ नेट एक्सपेक्टेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स विद हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन। तो इन तीनों ही अल्टरनेटिव को स्टडी करने के बाद, इनके जो है बेनिफिट देखने के बाद, इनके एक्सपेक्टेड आउटकम देखने के बाद, जिसकी जो वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट निकल कर आती है, वो एज अ आउटपुट यानी कि आपकी पब्लिक पॉलिसी के थ्रू जो है चॉइस हो जाती है। यानी कि जो भी अल्टरनेटिव आपको सबसे बेस्ट लगा रहा है, सबसे ज़्यादा उसके एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे ज़्यादा उसके अच्छे आउटकम हैं, तो वो अल्टरनेटिव आपका क्या बन जाएगा, पब्लिक पॉलिसी बन जाएगा। सो बेसिकली रैशनल मॉडल ये आपका जो है फोकस करता है कि एज्यूम्स करता है कि कंप्लीट एग्रीमेंट ऑन गोल्स, नॉलेज ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड द एबिलिटी टू कैलकुलेट एंड सेलेक्ट द पॉलिसीज विद द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। यानी कि वो पॉलिसीज आपके लिए जाएं जो कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो है पब्लिक को करे और सबसे लीस्ट कॉस्ट पे करे, यानी कि आपकी कॉस्ट इफिशियंट भी होती है और सबसे रैशनल भी होती है। सबसे कम रिसोर्सेज में, कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट किस तरीके से लाए जाएं, वो है आपकी रैशनल मॉडल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नेक्स्ट मॉडल है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो ये किसने दिया था आपका, चार्ल्स ने दिया था, चार्ल्स लिंडब्लॉम ने, तो ये आपको याद रखना है। सो इंक्रीमेंटल क्या बोलता है, इंक्रीमेंटल मॉडल अज्यूम्स द पॉलिसी मेकर्स रेयरली एग्जामिन द पास्ट पॉलिसी कमिटमेंट्स बट रेदर फोकस देयर अटेंशन ऑन चेंजेस इन द पॉलिसीज एंड एक्सपेंडिचर्स। सो बेसिकली इंक्रीमेंटल मॉडल आपको क्या बताता है कि कुछ पॉलिसीज जो होती हैं कि जो पहले से चली आ रही होती हैं, ठीक है, कुछ पहले से जैसे कि पिछले गवर्नमेंट ने भी चलाई थी, उससे पिछले गवर्नमेंट ने भी चलाई थी, या फिर कुछ 3-4 साल पहले वापस पब्लिक पॉलिसी चलाई गई थी, उसी को थोड़े बहुत चेंजेस करके वो नई पॉलिसी बनाकर ले आते हैं, ठीक है। उसी में थोड़े बहुत ऑल्टरेशन कर देते हैं, उसी में कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर देते हैं कुछ पॉलिसीज़ में या फिर कुछ एक्सपेंडिचर में, कुछ रिसोर्सेज में, और दोबारा से उसी को जो है पब्लिक स्फीयर में जो है अप्लाई कर देते हैं। इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज उस पब्लिक पॉलिसी को ऑलरेडी जो है लेजिटिमेशन अप्रूव्ड होती है। यानी कि अगर वो पब्लिक पॉलिसी आपकी पब्लिक स्फेयर में पहले से चल रही है, यानी कि वो ऑलरेडी जो है लेजिटिमाइज है अप्लाई होने के लिए पब्लिक स्फेयर में, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास उसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने वो पब्लिक पॉलिसी ऑलरेडी चला रखी है, इसका मतलब आपके पास रिसोर्सेज थे तभी आपने वो पब्लिक पॉलिसी चलाई है। तो यानी कि अगर हम उसी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमारे पास उसके लिए ऑलरेडी जो है कॉस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उसके रिगार्डिंग हमारे पास सजेशंस वगैरह सब कुछ जो है, डेटा वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो उस पॉलिसी को जो है लेकर आना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो यही होता है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, यानी कि पिछले साल की ही कुछ पॉलिसीज में चेंजेस करके ला दिया जाता है। जिस तरीके से आपने एग्जांपल देखी होगी, ओल्ड एज पेंशन आपने देखी होगी, हाउसिंग पॉलिसी देखी होगी, मोदी जी के अच्छे दिन की जो आपने पॉलिसीज देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी मोदी जी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं वो सारी उनकी हैं, वो सारी उनकी नहीं है। कुछ पॉलिसी जो है ऑलरेडी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने चला रखी थी, उसी में कुछ चेंजेस करके, उनका नाम चेंज करके जो है पब्लिक स्फीयर में ला दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप मॉडल। ठीक है, ग्रुप मॉडल एज्यूम्स द पब्लिक पॉलिसी इज द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस, पॉलिसीज चेंज विन पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स गेन और लॉस इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो बेसिकली ये जो आपको डिफिकल्ट सा डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इसको एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे दो ट्राइंगल जो शो कर रखे हैं, ये पहला इक्विलिब्रियम दिखा रखा है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम दिखा रखा है, ये आपका ग्रुप बी है और ये आपका ग्रुप ए है। सो बेसिकली ये जो राउंड सर्कल्स आप देख रहे हो, ये आपका इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है ये ग्रुप ए का इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, और ये वाला जो एरिया है वो आपका ग्रुप बी का इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। सो बेसिकली ग्रुप मॉडल में ये कहा जाता है कि हर एक पब्लिक स्फीयर के अंदर कुछ ग्रुप पाए जाते हैं लोगों के, जो कि इंटरेस्ट ग्रुप की तरह काम करते हैं पॉलिसीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कोई भी बात छिड़ती है, तो अलग अलग कास्ट के लोग वहाँ पे आ जाते हैं कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, हमें भी चाहिए, तो वो अपना एक अलग इंटरेस्ट ग्रुप बना लेते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा कि जाट आरक्षण के लिए आपके बहुत सारे जो केसेस हुए थे, सो बेसिकली वो जाट आरक्षण में वो लोग कलेक्टिवली एक साथ थे जो कि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सो इस तरीके से ग्रुप मॉडल में कहा जाता है कि हर एक पब्लिक स्फेयर के अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिनके रिगार्डिंग इंटरेस्ट ग्रुप बन जाते हैं, और फिर वो पब्लिक पॉलिसी को जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ गया, पॉलिसी उसी के रिगार्डिंग बनती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ग्रुप बी का इन्फ्लुएंस कम है, ग्रुप ए का इन्फ्लुएंस कम है, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट ग्रुप जो है पब्लिक के ऊपर, जो आपकी गवर्नमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव बना पाएगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसको कर पाएगा, उसी के रिगार्डिंग आपकी पब्लिक पॉलिसी बन जाएगी, और वही सब पे जो है अप्लाई कर दी जाएगी। तो ये है आपका ग्रुप मॉडल। चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, ये है आपका एलीट मॉडल। वेट, तो ये है आपका एलीट मॉडल। एलीट का मतलब होते हैं कुछ चूजन फ्यू। ठीक है, यानी कि सोसाइटी में कुछ चूजन फ्यू लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में पावर होती है, रिसोर्सेज होते हैं, मनी होती है, यानी कि वो मासेस से खुद को किस तरीके से अलग करके देखते हैं, डिफरेंट करके देखते हैं। ठीक है, सुपीरियर मानते हुए अपने आप को एक तरीके से। ठीक है, सो एलीट पीपल एक तरीके से सुपीरियर पीपल माने जाते हैं एक पब्लिक स्फीयर के अंदर, और मास यानी कि जो जो भी बाकी के लोग बच गए वो आपके मासेस कहलाते हैं। सो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी का जो एलीट मॉडल है वो क्या बोलता है, इट इम्प्लाइज दैट पब्लिक पॉलिसी डज नॉट फ्लो अपवर्ड फ्रॉम डिमांड्स बाय द पीपल, बट रेदर डाउनवर्ड फ्रॉम द इंटरेस्ट वैल्यूज एंड प्रेफरेंस ऑफ एलीट्स। सो ये मॉडल कहता है कि बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है वो मासेस के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती है, मासेस के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती, वो एलीट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। सो बेसिकली वो बोलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो कि आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, जो आपकी हाई पोजिशन पर बैठे हैं, वो पॉलिसीज इस तरीके से बनाते हैं जो उनको बेनिफिट करे, ना कि इस तरीके से जो पब्लिक को बेनिफिट करे। सो ये बोलते हैं कि इस तरीके से जो आपके डिसीजंस हैं वो आपके नीचे यानी कि डाउनवर्ड आपके जो है फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी डज नॉट फ्लो अपवर्ड फ्रॉम डिमांड्स बाय द पीपल बट डाउनवर्ड, यानी कि अगर मासेस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है तो वो अपवर्ड कहलाता, लेकिन अभी पॉलिसी जो है एलीट के द्वारा बनाई जा रही है मासेस के लिए, यानी कि अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बनाई जा रही है और उन पे जो है सिर्फ लागू करी जा रही है, तो आपका डिसीजन मेकिंग कैसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया, यानी कि इनके प्रेफरेंसेस और इनके डिसीजन मासेस तक पहुँच रहे हैं, ना कि मासेस की डिमांड उन तक पहुँच रही है। ठीक है, तो ये बोलते हैं एलीट मॉडल की पब्लिक पॉलिसी जो है ऑफिशियल्स अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाते हैं रेदर देन पब्लिक। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, सो नेक्स्ट मॉडल है हमारा पब्लिक चॉइस मॉडल। ठीक है, ये है आपका पब्लिक चॉइस मॉडल। सो बेसिकली पब्लिक चॉइस मॉडल बोलता है एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन बेनिफिट्स एंड पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हुज पॉलिसी व्यूज बाय बी डिस्टिंक्टली लिबरल और कंजर्वेटिव मूव टू द सेंटर एट इलेक्शन टाइम टू विन द मोस्ट वोट्स।
सो बेसिकली पब्लिक चॉइस मॉडल आपका ये कहता है कि जिस तरीके से मार्केट प्लेस में जब एक कंज्यूमर जाता है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखता है कि किस चीज़ में उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज हो रहा है। सो बेसिकली पॉलिटिक्स में भी सेम ही तरीके से जो है इंडिविजुअल अपने जो है इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने चॉइसेस को फॉर्म करता है। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है जो आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं और जो आपकी पार्टीज होती हैं, यानी कि जो आपकी पार्टीज की कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पार्टीज में खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, वो जो हैं चाहे वो लिबरल हो चाहे वो कंजर्वेटिव हो, लेकिन वो एक इस तरीके से एक डायरेक्शन में जो है आने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वोटर्स सबसे ज़्यादा मिले। सो बेसिकली ये जो पीक शो कर रहा है ये आपका नंबर ऑफ वोट्स को शो कर रहा है। तो यानी कि अपनी पॉलिसीज़ को इस तरीके से फॉर्म करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके, चाहे बेशक उनकी आइडियोलॉजी कोई भी हो, फिर वो अपनी आइडियोलॉजी पे जो है बेस्ड नहीं रहते हैं, वो एक ऐसी पोजिशन पर आना चाहते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट्स मिल सकें। तो ये होती है आपकी पब्लिक चॉइस मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गेम थ्योरी मॉडल। सो गेम थ्योरी मॉडल बोलता है कि द आइडिया ऑफ गेम इज अ रैशनल डिसीजन मेकर्स आर इन्वॉल्व इन चॉइसेस दैट आर इंटरडिपेंडेंट प्ले, यानी कि ये बोल रहा है कि जो गेम थ्योरी है वो एक ऐसा रैशनल डिसीजन बनाता है जिसमें कि जो दो प्लेयर होते हैं आमने सामने वाले वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्लेयर्स मस्ट एडजस्ट देयर कंडक्ट रिफ्लेक्ट नॉट ओनली देयर ओन डिजायर्स एंड एबिलिटीज बट ऑल्सो देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट वट अदर्स विल डू। ये मैं आपको भी समझाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Perhaps the connotation of the game is unfortunate, suggesting that game theory is not really appropriate for serious conflict situations. Game theory suggests that policy makers or players adjust their conduct to not only their own preferences but also likely choices of the opponents. So basically, game theory में आपको एक example से आसान तरीके में समझाती हूँ। ठीक है, ये है A, ये है B, ठीक है, ये है पर्सन A और ये है आपका पर्सन B। दोनों गाड़ी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों एक तरफ से, दोनों अपनी तरफ से जो है गाड़ी लेकर आ रहे हैं सिंगल लाइन में। ठीक है, ये एक रोड है, एकदम सिंगल लाइन में जो है गाड़ी लेकर आ रहे हैं, ए व ए बी और सामने भी। सो यहाँ पे जो आपकी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स है वो ये हैं कि अगर ए रुक जाता है तो बी आगे आ जाएगा, अगर बी एक अपनी जगह पे रुकता है तो ए आगे आ जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं रुकते हैं तो दोनों का जो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन गेम थ्योरी क्या बोलता है कि यहाँ पे जो है लोग अपने एक्शंस को, यानी कि जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने एक्शंस को, अपने प्रेफरेंसेस को ओपोनेंट की रिगार्डिंग जो है एक ईगो की तरह, एक अपने एटीट्यूड की तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सोचता है कि अगर मैं रुकूंगा और बी को आने दूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और बी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बी सोचते हैं अगर मैं रुकूंगा अगर उसको आने दूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी और उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे तो दोनों का ही नुकसान है, यानी कि दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को भी किसी तरीके का कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो बेसिकली गेम थ्योरी मॉडल यही बोलता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस को जब फ्रेम करते हैं पॉलिसीज़ के थ्रू, तो वो ये भी जो है साथ में ध्यान रखते हैं कि जो आपका ओपोनेंट है, यानी कि जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ है, उनके क्या चॉइसेस है और वो किस तरीके से उनकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करेगा। सो गेम थ्योरी बस इसी चीज़ पर ध्यान देता है कि जो मॉडल्स बनते हैं, जो आपके पॉलिसीज बनती हैं, वो पॉलिसी मेकर्स अपने आप को देखते हुए, साथ ही साथ जो ओपोनेंट की प्रेफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, दोनों को आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिवली एक जो डिसीजन लेकर आते हैं वो बेस्ट पॉलिसी होती है। ठीक है, जिसमें कि दोनों ही प्रेफरेंस की जो है ध्यान रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मॉडल। ठीक है, तो सिस्टम मॉडल आपको पता ही होगा कि डेविड ईस्टर ने दिया है, आपने इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ा होगा और मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में भी समझा रखा है। सो सिस्टम अप्रोच में डेविड ईस्टर क्या बोलते हैं कि कोई भी पॉलिसीज़, सिर्फ जो पॉलिसीज़ लेकर आई जाती हैं वो हमें नहीं पढ़नी चाहिए, जो बाहर का आउटर का जो इन्वायरमेंट है वो आपके पॉलिसीज़ को जो है रिफ्लेक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है। सो यहाँ पे इसके थ्रू इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की है कि ये हैं आपके इंटर सोसाइटल इन्वायरमेंट, यानी कि सोसाइटी में आपके कैसे रिलेशन्स हैं लोगों के बीच में, देन उनकी क्या डिमांड्स है, किन चीज़ों से वो सेटिस्फाई नहीं है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो एज ए इनपुट क्या जाती हैं सिस्टम के अंदर जाती हैं। ठीक है, यानी कि वो जिस भी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है वो एज अ डिमांड जो है सिस्टम के अंदर जाती है, सिस्टम यानी कि आपके पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जो भी आपकी पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं वो एज अ डिमांड उनके पास जाता है। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, सोचा जाता है कि उसके आउटकम क्या निकलेगा, क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, सारे प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए किस तरीके से वो कलेक्टिवली एक पॉलिसी को जो है फाइनली लेकर आते हैं, वो होती है आपका आउटपुट, यानी कि जो भी
पॉलिसी उस जो है सिचुएशन को संभालने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लेकर आए हैं, वो आपकी आउटपुट की तरह जो एनवायरनमेंट में आ जाती है। फिर जब वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है एनवायरनमेंट में, उसका फीडबैक यानी कि लोग उससे किस तरीके से इफेक्ट हुए हैं, क्या उस पॉलिसी का आउटकम आया है, वो एज अ फीडबैक दोबारा से सिस्टम के अंदर जो है जाता है, और उनमें से दोबारा से जो आपकी अनफुलफिल्ड डिमांड्स होती हैं उनके रिगार्डिंग फिर से कोई पॉलिसी बनती है, फिर से आउटपुट बन के आती है। तो ये होता है आपका ईस्टर्न का फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। तो यानी कि डेविड ईस्टर्न बोलते हैं कि कोई भी पॉलिसी हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके जो आसपास का जो पूरा ये जो इन्वायरमेंट है, ये पूरा जो इन्वायरमेंट है, जब तक हम उसका इफेक्ट नहीं समझेंगे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, तब तक हम जो है पॉलिसी को नहीं समझ सकते। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और मैं आपको मेक श्योर कर रही हूँ कि आपको इसके सिवा जो है अपनी पॉलिटिकल साइंस पीजी एंट्रेंस के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बेस्ट निकाल के दिया है, और हर एक चीज़ आपको दी है जो भी आपके सिलेबस में ऑलरेडी थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपका पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे जो दे रखा है सिलेबस में, ये तीनों ही पार्ट इसमें दे रखे हैं, मॉडल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स। ये आपका सीवेट का सिलेबस है, और मैंने ये पूरा सिलेबस आपको एक वीडियो में कवर अप करके दिया है पब्लिक पॉलिसी का। ठीक है, सो आई होप को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आगे मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। सो बाय बाय।